केंद्रीय प्रधान अनुराग ठाकुर गुजरात प्रवासे छे। सौराष्ट्रमां गुजरात गौरव यात्रा में अनुराग ठाकुर जोड़ावाना छे। अने आ वखते भाजप चूंटणी में तमाम रेकॉर्ड तोड़शे तेवो अनुराग ठाकुरे दावो कर्यो छे। आ साथे तेमणे कह्युं कि गुजरात क्यारे बहारना लोकोने नहीं स्वीकारे। गोपाल इटालियाना वीडियो मुद्दे पण अनुराग ठाकुरे प्रतिक्रिया आपी અને તેમણે કહ્યું કે એક ઇટાલિયને ટિપ્પણી કરી ત્યારે દેશે જવાબ આપ્યો હતો, હવે ઇટાલિયને જવાબ મળશે। અન્ય રાજ્યમાં જેમ આપની ડિપોઝિટ જપ્ત થઈ તેમ ગુજરાતમાં પણ જપ્ત થઈ જશે। और हम नाश्ते की प्लेट से स्टार्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे सौराष्ट्र? मेरा बहुत बार आना हुआ, मैं तो यही कहूंगा गुजरात आवे छो तो गाठिया तो खावे छे, गाठिया तो खावा छे। गाठिया के बिना तो नाश्ता हो ही नहीं सकता यहाँ पे। अनुराग जी, आप हमेशा इलेक्शन के टाइम पे हर राज्य में गए हैं, अगर हम गुजरात की बात करें तो दूसरे राज्यों से इस राज्य को किस तरह से आप अलग देखते हैं? गुजरात का विकास मॉडल देश के लिए एक प्रेरणा बना है और मोदी जी का ये विकास मॉडल, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे 20 साल हो गए लोगों को देखते कि गुजरात ने कैसे देश को नई दिशा दिखाई है, कैसे विकास के माध्यम से रोजगार स्वरोजगार के अवसर खड़े हो सकते हैं, कैसे दंगा मुक्त गुजरात हुआ है, कैसे कानून व्यवस्था को नए आयाम स्थापित किए हैं, कैसे हर क्षेत्र में चाहे देश और दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा सरदार पटेल की बनानी हो या देश का सबसे बड़ा डैम सरदार सरोवर डैम बनाने की बात हो, देश की पहली फाइनेंशियल सिटी गिफ्ट सिटी बनाने की बात हो या फिर पहली बुलेट ट्रेन चलाने की बात हो, गुजरात सबसे आगे आया है और ऑटोमोबाइल का हब बनने के लिए भी, गाड़ियों को बनाने का भी वो गुजरात बना है। कई क्षेत्र आप देखेंगे वाइब्रेंट गुजरात से लेकर बाकी राज्यों ने उसको फॉलो किया है। ये मॉडल मोदी जी के खड़े हुए हैं और ये मॉडल मोदी जी का भी है, लेकिन सरदार पटेल जी ने इसकी जैसे शुरुआत की थी देश को एक सूत्र में बांधने की, एकता की, एकजुटता की, और वो 553 से ज्यादा ऐसे प्रिंसली स्टेट्स को इकट्ठा करके देश को एक अखंड भारत बनाने की दिशा में जो लेकर गए वो सरदार पटेल ही थे, जो एकता के रक्षा सूत्र में बांधा था, एकता के सूत्र में बांधा था, और आज देश को सुरक्षा देने में भी मोदी जी का नाम जाना जाता है कि जिस तरह से उनके नेतृत्व में भारत और सुरक्षित महसूस करता है, आत्मनिर्भर बना है। और मैं तो ये कहूंगा हम अंत्योदय की यात्रा शुरू करके जो अंत्योदय के लिए काम करते थे वहां से आत्मनिर्भर भारत की ओर काम कर रहे हैं और अब दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए मॉडल्स देने का काम कर रहे हैं। चाहे वो COP21 COP26 में देखें तो पर्यावरण के क्षेत्र में जो मोदी जी ने किया आज दुनिया ने उसको सराहा है। पहला सोलर विलेज कहीं पर बना तो गुजरात ने बन के वो नया मॉडल उतारा है। हर कुछ नया करना ये गुजरात की प्रवृत्ति में है और कुछ बड़ा करना ये गुजरात की सोच में ही है। अनुराग जी, आप कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल पूरे देश में है, हर जगह गुजरात मॉडल की बात होती है, लेकिन अगर हम क्रिकेट की लैंग्वेज में बात करें तो 2017 में गुजरात बीजेपी के 182 खिलाड़ियों में से सिर्फ 99 जीते थे, बाकी के सारे आउट हो गए थे। इस बार इलेक्शन के इस मैदान में आप क्या गुजरात की कहां बीजेपी की जीत देख रहे हैं, कहां हारेंगे, कहां स्टंप आउट होंगे? तब भी बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चला, आपको पता उस समय किस तरह से दुष्प्रचार और भय और भ्रम फैलाने का काम किया। जो लोग कभी 5 साल नजर नहीं आते वो झूठा प्रचार चुनाव के समय आकर करते हैं, लेकिन गुजरात की जनता भली भांति जानती है कि गुजरात ने विकास किया है और गुजरातियों ने देश को नेतृत्व भी दिया है, देश को नई राह दिखाने का काम भी किया है। तो इस बार भी गुजरात पीछे नहीं रहेगा, सेंचुरी पार भी करेंगे, डबल इंजन की सरकार भी बनाएंगे, क्योंकि गुजरात जब आगे बढ़ता है तो देश भी आगे बढ़ता है। अनुराग जी, इस बार तो ट्रायंगल हो गया है तो सेंचुरी पार कैसे करेंगे, क्योंकि इस बार तो आम आदमी पार्टी भी मैदान में है और आम आदमी पार्टी तो यही कह रही है कि बीजेपी ने आज तक भ्रम फैलाया है, भ्रम का मॉडल है जो पूरे देश में चलाया है। देखिए, जो मीडिया सोशल मीडिया तक सीमित रहते हैं, आप उनका हाल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में देख लीजिए, पूरी तरह सफाया हो गया।
उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में जब आम आदमी पार्टी लड़ी तो सभी पे जमानत जब्त हुई, जमानत जब्त हुई। उत्तराखंड में वो कहते सरकार बनाएंगी, खाता तक नहीं खोल पाए, मणिपुर में दिखाई नहीं दिए और गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार सरकार बनाई है। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर सभी में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार वापस आई। अब हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी डबल इंजन की सरकार दोबारा आएगी क्योंकि जनता विकास चाहती है और भाजपा पर विश्वास करती है। आप कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार पे इस बार प्रजा भरोसा करेगी, तो आम आदमी पार्टी का क्या जो ये जमानत जब्त होने वाली जो रिपीट हिस्ट्री गुजरात में देखी जाएगी? निश्चित तौर पर खाता नहीं खोल पाएंगे जी। गुजरात के लोग बहुत समझदार हैं, गुजरात के लोगों को पता है कि देश और दुनिया में गुजरात के लोगों ने नेतृत्व दिया है। गुजरात की नहीं पूरी देश की पहचान पूरी दुनिया भर में बनाई, तो गुजरात के बेटे यहाँ के सपूत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बहुत आगे बढ़ा है और ये हर गुजराती जानता है। अनुराग जी, जहाँ पे हम बैठे हैं जो सौराष्ट्र बेल्ट माना जाता है, वो जो गुजरात का गढ़ कहा जाता है कि सौराष्ट्र में जो सबसे ज्यादा सीट लाता है वो सरकार बनाता है। पिछली बार यहाँ पे कट टू कट सिचुएशन थी, काफी सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे कि जहाँ पे भाजपा खाता भी नहीं खोल पाई थी, इस बार क्या स्थितियों को आप देखते हैं? मैं पिछली बार भी अमरेली, पोरबंदर, सौराष्ट्र के बाकी इलाकों में था। मैंने इसलिए कहा कि पिछली बार भी कुछ लोग आए थे, दुष्प्रचार करने का प्रयास किया, भय और भ्रम फैलाने का काम किया, लेकिन गुजरात के लोग बहुत समझदार हैं। वो जानते हैं प्रदेश को आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य करना है, गुजरात का मॉडल पूरे देश भर में चलाना है, तो गुजरात को भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर आगे बढ़ाना है। पिछली बार अगर हम देखें तो तीन युवा थे कि जिन्होंने कहीं ना कहीं पूरे इलेक्शन को बदल दिया था, उसमें नाम था अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल। इस बार ये दोनों जो यूथ हैं वो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन इस बार गोपाल इटालिया एक नया चेहरा है जो बीजेपी के सामने है, जो नरेंद्र मोदी के सामने भी टिप्पणी करते हैं, उनकी माता के सामने भी टिप्पणी करते हैं, खुद पाटीदार होने की बात को लेकर लोगों के सामने जा रहे हैं। ये सारी बातों को आप किस तरह से देखते हैं और चुनावी मैदानों में इनकी क्या असर हो? एक इटालियन ने कहा था कुछ वर्ष पहले और गुजरात की जनता ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था। अब इटालिया ने कहा है, गुजरात की जनता इसका भी मुंह तोड़ जवाब देगी। क्यों? नरेंद्र मोदी जी गुजरात के वो सपूत हैं जिन्होंने गुजरात का नाम ही नहीं पूरे भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया है, और कोई बेटे को नीचा दिखाने के लिए उसका मुकाबला चुनाव में तो कर नहीं पाई आम आदमी पार्टी, सब जगह जमानत जब्त हुई। अब उनकी माँ पर भी टीका टिप्पणी करना, अपमानित करना, ये गुजरात में कभी शोभा नहीं देता है, गुजरात में कभी मान्य नहीं होता है और गुजरात की जनता अपनी माँ का अपमान कभी नहीं सहेगी, मुंह तोड़ जवाब देगी। देखिए वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि मोदी चाय बेचने वाला है, लेकिन देश की जनता इतनी समझदार थी कि उन्होंने देश बेचने वाली कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा दिया, ईमानदार चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। और जब कोई किसी की माँ पर टीका टिप्पणी करता है, अपमानित करता है और इस तरह के हल्के शब्दों का प्रयोग करता है, और ये पहली बार नहीं जी, उस व्यक्ति का अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो क्या क्या नहीं करते हैं, क्या ऐसे लोग जिस पार्टी के साथ जुड़े हैं उसको कभी गुजरात की जनता स्वीकार करेगी? ये झूठ है, भ्रम फैलाने वाले लोगों के साथ कभी गुजरात की जनता खड़ी नहीं होगी। गुजरात की जनता सच्चे ईमानदार राष्ट्रभक्तों के साथ और विकास करने वालों के साथ अपना विश्वास दिखाएगी और फिर डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी को लाएगी। बाकी के लोग क्लीन निश्चित तौर पर होंगे, भाजपा सेंचुरी नहीं उससे भी आगे बढ़कर जाएगी और पहले से ज्यादा रिकॉर्ड मतों के साथ, पहले से ज्यादा सीटों के साथ फिर एक बार प्रदेश की सेवा करने के लिए आएगी। हमारे साथ बात करने के लिए तो आहता केंद्रीय प्रधान अनुराग ठाकुर। खूब स्पष्टता कही रहा है कि दरेक इलेक्शन में કેટલાક લોકો એવા આવતા હોય છે કે જે માત્ર ઇલેક્શન સમય આવતા હોય છે પરંતુ ગુજરાતી જનતાને ભાજપ પર વિશ્વાસ છે, વડાપ્રધાનના કરેલા કામો વાતો પર વિશ્વાસ છે, ડબલ એન્જિનની સરકારની કામગીરી પર વિશ્વાસ છે અને આ જ વિશ્વાસ આગામી સમયમાં ચૂંટણીના સમયમાં સેન્ચુરી પાર ભાજપને કરાવશે અને ફરી એકવાર સરકાર બનાવશે। કેમેરામેન નવની સાથે કિંજલ મિશ્રા, TV9 સુરેન્દ્રનગર।